खम्मागणी दर्शकों, आई एम करंटली लाइव फ्रॉम जयपुर. वेल, नॉट रियली लाइव बट वर्चुअल लाइव फ्रॉम इंस्टाग्राम. जैसे कि आप देख सकते हैं, सैंकी जी गर्म हवा लगा हेलो. रहे हैं हमारी जुल्फों पर. इसे कहते हैं ब्लो ड्राई, यानी फूक सूख. हमारा फूक सूख जारी है फिलहाल. और जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा फेस थोड़ा सा सूजा हुआ है क्योंकि सवेरा सवेरा हुआ है, तो हम थोड़ा बर्फ लगा रहे हैं टू काम द सूजन. आई विल सी यू वेरी वेरी सून. दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं, बड़ी सारा के लिए छोटी छोटी. आयशा, क्विकली टेल अस द प्लान फॉर टुडे. We are going to Arya Engineering. सो आई गेस कार्तिक आर्यन एंड आई विल रन टू आर्या. खम्मागणी दर्शकों, आई एम करंटली लाइव फ्रॉम जयपुर. वेल, नॉट रियली लाइव बट वर्चुअल लाइव फ्रॉम इंस्टाग्राम. जैसे कि आप देख सकते हैं, सैंकी जी गर्म हवा लगा रहे हैं हमारी जुल्फों पर. इसे कहते हैं ब्लो ड्राई, यानी फूक सूख. हमारा फूक सूख जारी है फिलहाल. और जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा फेस थोड़ा सा सूजा हुआ है क्योंकि सवेरा सवेरा हुआ है, तो हम थोड़ा बर्फ लगा रहे हैं टू काम द सूजन. आई विल सी यू वेरी वेरी सून. दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं, बड़ी सारा के लिए छोटी छोटी. आयशा, क्विकली टेल अस द प्लान फॉर टुडे. We are going to Arya Engineering. सो आई गेस कार्तिक आर्यन एंड आई विल रन टू आर्या. हम कहाँ जा रहे हैं कल? नमस्ते. अभी कहाँ जा रहे हैं? कल नहीं, कहा किसी को नहीं पता. नींद आ रही है कि समझ नहीं आ रहा है कल आज क्या क्या हो रहा है. अब हम जा रहे हैं अहमदाबाद. सोचे सारूचे सारा छे. सो हैप्पी. ना कर या ना कर, तू है मेरी सारा. आई डोंट नो सर, आई एम सो सॉरी. कहाँ पे टॉपिक जा रहा है? हेलो सर, इम्तियाज सर. सारा जी हेलो. जी जी, आपका जो लव आजकल है वो कल कौन थी और आज कौन है, ये कंफर्म कर लो. इनकी पिछली ट्रेलर लॉन्च पे भी कुछ ऐसा ही पूछा गया था. ये क्या है कार्तिक, व्हाट्स गोइंग ऑन? Is this love आजकल? Sara, you know it all. Come on. So don't. Come on. No, she knows it. She's a good actor. Thanks. That's why I'm saying. That's the first time he said that to me. देखिए वहाँ पे कितने सार्थक फैंस हैं जो बाहर सब हैं, तो वो किसी रीजन की वजह से होंगे. एंड आई एम श्योर ये कल नहीं, लव आज है. No, listen, I must say that, you know, whenever I hear this Sarthik Sarthik thing, I just have to say ki आप सही बोल रहे हो. मुझे नहीं लगता कि किसी फिल्म को देखने से पहले किसी भी जोड़ी को इतना प्यार मिला है. तो आई एम जेन्युइनली मोर देन एनीथिंग जस्ट ग्रेटफुल टू द ऑडियंसेस फॉर गिविंग अस सो मच लव एंड एक्सेप्टिंग अस एज अ पेयर इवन बिफोर सीइंग अस ऑन स्क्रीन. एंड आई कैन ओनली होप कि जब आप हम लोगों को स्क्रीन पर देखोगे तो आप लोगों को सार्थिक से और भी ज्यादा प्यार हो जाएगा और वीर और जोई से प्यार हो जाएगा, बिकॉज दैट इज रियली व्हाट इट्स अबाउट. सारा जी एंड कार्तिक जी. इम्तियाज सर, हाय. सारा जी, इम्तियाज सर, दिस इज केयूर फ्रॉम सिनेस्टान.com. जी, सवाल है आप लोग क्या करने वाले हैं? अब आजकल देखने वाले कार्तिक जी. जी देखना है लव आजकल, देखना है वैलेंटाइन डे के दिन, और क्या करना है? कार्तिक जी आप हाँ क्या करने वाले हैं इस बार? मैं नहीं आएंगे, इनसे क्या पूछ रहे हो ऐसे? अच्छा नहीं आओगे साथ में? और नहीं तो क्या, हम दोनों डेट पे जाएंगे. हमारी पिक्चर है. हाँ. कि और किसके साथ चले जाओगे? हद है यार. नहीं 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 नहीं, हम दोनों मूवी देखने जाएंगे उस रात को. और ये देखिए आपको रिएक्शन मिल गया. मिल गया. हम दोनों लव आजकल देखेंगे उस रात को. इट्स अ डेट नाइट. 14th फेब या 13th फेब, दोनों रात को हम सेम मूवी देखेंगे. एंड इम्तियाज जी, इम्तियाज जी एंड दिनेश जी, आप लोगों से सवाल ये है कि आजकल हम देखते हैं बहुत ही जल्द दोस्ती होती है, बहुत जल्द लव हो जाता है, बहुत ही जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है. सो इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? आशा करते हैं कि आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही कुछ हो.
मगर जो आप पूछना चाह रहे हैं उसका जवाब ये है कि परिभाषा बदलती रहती है. मुझे लगता है कि the relationship as it happens now is very different from how it used to happen in the past. And मतलब प्यार की परिभाषा बदलती रहती है यार वक्त के साथ साथ. और उसी वजह से लव आजकल जो है ना वो बार बार ख्याल में आती है कि आज की लव आजकल क्या हो सकती है, कि कल की क्या हो सकती है, दैट काइंड ऑफ थिंग. सो हाँ, चीज़ें बहुत फास्ट मूविंग हो गई हैं. मगर जो जिस वजह से एक लड़का और एक लड़की साथ आते हैं वो कारण नहीं बदला है. तो आप हिम्मत मत हारिए. सर बिल्कुल सर, मैं भी आपके लिए सेम विश करता हूँ सर. इम्तियाज सर हाय, यहाँ आपके सामने. हाय, दिस इज केयूर फ्रॉम सिनेस्तान.com. सर मेरे आपके लिए दो सवाल है. आपने थोड़ी देर पहले कहा कि एवरी लव आजकल फिल्म विल बी मॉन्यूमेंटल, तो क्या इसका ये मतलब है कि आगे भी आप इसी सीरीज में फिल्म्स बनाएंगे? वेल, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कहानी है ना, ये एक बहुत फ्रेंचाइजेबल आइडिया है. आप ऐसा भी सोच सकते हो कि एक ही टाइटल की दो बार फिल्में मैंने बनाई है. इस वजह से बनाई है कि 10 साल बाद मुझे लगा कि जिस बेसिस पे मैंने पहली फिल्म बनाई थी वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, नया हो चुका है, और एक नई बात उसी बात में कहने का मौका मुझे मिल रहा है. उसके बाद मुझे लगा, और दीनू और मैं बहुत बात कर रहे थे उस समय, कि इस चीज़ को आगे शायद बढ़ाया जा सकता है. अगर कुछ साल बाद लगे कि आज और कल जिस तरह से जो रिलेशनशिप का प्रोसेस होता है वो बिल्कुल बदल चुका है, कुछ नई बात आ चुकी है जिसमें एक नया नई कहानी है, तो वो हम शायद कहने की कोशिश करेंगे फिर से. तो ऐसा हो सकता है कि आगे फिर से बनाएं. ओके सर, इस फिल्म में आप एक नई एक्ट्रेस को लॉन्च कर रहे हैं, आरुषि शर्मा, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे उनकी कास्टिंग हुई और कौन सा आपने उनका काम देखा इसके पहले? आरुषि के साथ मैंने बहुत पहले, मैं उसको बहुत सालों से जानता हूँ, एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब एक दफ़ा वो खुद सामने आ जाए ना, तब उनकी उपस्थिति में ये सवाल का जवाब मैं अगर दूंगा तो ज़्यादा मुनासिब होगा. बट मुझे अच्छा लगा कि आपने इस बात को नोट किया, और उम्मीद है कि वो आपको और सबको, सारी जनता को बहुत पसंद आएंगी. योर सेंटर राहुल फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. मेरा सवाल कार्तिक और सारा दोनों से, पहले सारा से पूछ लेता हूँ. सारा, सबसे पहले आपने केदारनाथ से अपना डेब्यू किया, उस वक्त काफ़ी चर्चे थी कि सैफ अली खान की बेटी डेब्यू कर रही है, बट सिम्बा के बाद अपने ऊपर से आपने ये टैग हटवा लिया है, आप इंडिपेंडेंट ब्रांड बन चुकी हैं, तो कितना मुश्किल था खुद को इतना बड़ा ब्रांड बनाना आपके लिए? सर ऑनेस्टली, मैं अभी भी सैफ अली खान की बच्ची हूँ और वो नहीं बदला. और ये टैग ऐसा टैग है दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ, तो अगर वो रहे भी तो ठीक है, लोगों को मेरा काम अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है. और उम्मीद है कि मुझे मौके दिए जाएंगे जहां मैं ये साबित कर पाऊँ और कर सकूँ, और उतना ही है. कार्तिक, आपसे ये सवाल था. हाँ, एक टाइम था जब रणवीर सिंह ने के इवेंट में आपको सारा अली खान से दोस्ती करवाई थी हैंडशेक करवा के, और एक आज टाइम है जब आप दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई कि फिल्म तक आ गई और फिल्म में भी दिख रही है बॉन्डिंग, तो कितना क्रेडिट आप रणवीर सिंह को देते हैं? एक बार और बोलो, एक बार और अच्छे से बोलो, एक बार और बोलो, फिल्म में बॉन्डिंग दिख रही है, फिल्म में बॉन्डिंग आप दोनों की बहुत अच्छी दिख रही है, तो कितना क्रेडिट आप रणवीर सिंह को देते हैं? आप कितना क्रेडिट रणवीर सिंह को देते हैं, क्योंकि उन्होंने ही दोस्ती करवाई थी? कितना क्रेडिट रणवीर सिंह को देते हैं? अच्छा, किस चीज का दोस्ती जो करवाई थी रणवीर सिंह ने आपकी? हमारी बॉन्डिंग का. हाँ, बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत. रणवीर सिंह को कितना क्रेडिट देते हैं, क्योंकि उन्होंने ही दोस्ती करवाई थी आपकी? बहुत अच्छे से दोस्ती करवाई थी इनफैक्ट. और रणवीर जैसे जिस तरीके से हैं, बहुत खुले खुले से हैं, और जिस तरीके से उन्होंने हम दोनों को वहाँ पे मिलवाया था, हम लोगों के बहुत मीम्स बने थे साथ में, एंड आई रियली रियली आई एम ग्लैड दैट रणवीर ने हम दोनों की जोड़ी बनाई, हम दोनों को मिलवाया, एंड देन हम लोग यहाँ पे आ गए, आप देख रहे हैं यहाँ पे. तो आई थिंक सर, मैं इसमें मैं हमेशा अटक जाता हूँ सर ऐसे सवालों में, क्योंकि मेरे को पता नहीं कहाँ तक जाऊँ मैं. नहीं, आप ऐसा समझ लीजिए कि जो कुछ भी है ना, सब रणवीर की वजह. हाँ, जो कुछ भी है सब. हाँ,
सर को बुरा लग गया कहीं ना कहीं. मैं यही बोलने वाली थी कि इम्तियाज सर, मैं बोल रहा था रणवीर का क्या है लव स्टोरी, तो मैंने बनाई है, हो क्या रहा है यहाँ. Hi Sara, hi hi. Sara, your center. Hi hi hi. Sara, in your first film, you have romance with Sushant Singh. Yes. Second was Ranveer. Yes. Then it is Karthik. Yes. Who is the next extra you are going to romance in your next film? Varun. That's already been announced. Sorry. In the middle of shooting. Varun is also like on the list. So yes. Who's next? Love, aaj ki baat kar lete hain. I am now romancing Karthik in Love Aajkal, and that is what matters, and that's what we are here to talk about. Hi, Sara. Hi. Hi. First of all, congratulations. काफी काफी खास trailer नजर आ रहा है, और आप दोनों की chemistry काफी खास नजर आ रही है. Sara, अगर देखा जाए तो हमेशा हमने देखा है पेपराजी की बात हो या audience की बात हो, आपके साथ ही अनन्या ने debut किया था, जानवी ने debut किया था. हमेशा ऑडियंस आप तीनों को कंपेयर करती है, जिसमें सबसे आगे आप नजर आती हैं. कहीं ना कहीं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर भी बढ़ जाती है कि हमें किस तरह का आप देखती हैं किस तरह इस बातों को. देखिए, मुझे लगता है दैट ऑल थ्री ऑफ अस आर वेरी यंग गर्ल्स, एंड यू नो इट्स आई अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपेंस. मैं समझती हूँ क्यों होता है, लेकिन किसी भी इंसान को एक इंसान से कंपेयर करना, इट जस्ट डजंट मेक सेंस. आई थिंक हम तीनों बहुत अलग भी हैं एज पीपल, एज एक्टर्स इन जनरल, तो आई डोंट सी द पॉइंट इन कंपेयरिंग और एनीथिंग लाइक दैट. आई मीन